आज की इस हम लोगों के ज्ञान गंगा में क्यूपेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और हमारे लेक्चर्स की ये जो श्रृंखला है ये हमेशा सैटरडे को चलती है, आगे भी चलती रहेगी। और इसमें हम ऐसा करेंगे कि चूंकि ये जो लेक्चर्स हैं वो गिव एंड टेक वाले हैं, ये लेक्चर भी नहीं कहेंगे, गिव एंड टेक की एक कोशिश है जिसमें जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगी और जो आपको पता है वो आप हमें बता, लेकिन हैफजर्ड वे में नहीं। इसके लिए मैंने ये प्लान किया था, पिछली बार ही बताया था कि हम इसमें ऐसा करेंगे कि 45 मिनट्स तो हम बोला करेंगे और जो 15 मिनट बचेगा उसमें आप लोग अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा मैं आगे और भी इसकी प्लानिंग में हूँ कि मैं आपको कैसे अपडेट कर सकती हूँ। तो जिसको जिस फील्ड में, जिस फील्ड का मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में, इसी में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, योगा और नेचुरोपैथ के लोगों का भी वेलकम होगा, ठीक है? तो ऐसे लोग जो भी अपनी बातें यहाँ रखना चाहते हो वो अपना हमें नाम बता सकते हैं, वो हमें अपना मैटर दे के दिखा सकते हैं ताकि उनको आगे हम इसमें मौका दे सकें, क्योंकि एक ही व्यक्ति बोले और बाकी सुनते रहे तो कब तक सुनेंगे। जो भी आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का भी मौका मिलना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये मौका आपको मिले। तो ये सारी चीजें इसमें होंगी। आज की क्लास के लिए शुरुआत करने के लिए हमारे साथ मधु जी हैं, मैं चाहती हूँ कि मधु जी आए और इस क्लास को शुरू करें। आप सभी को शुभ संध्या, नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा में स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले हम सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और क्लास का शुभारंभ करेंगे। अब हमारे पास एक प्रेयर है और ये जो प्रेयर है ये बहुत ही खास है। इसके पहले एक और पोयम होती थी, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, लेकिन ये जो पोयम है ये बहुत ही सीक्रेट वाली पोयम है। ये वो पोयम है जो सर गाया करते थे और उन्होंने हमें एक बार कहा, अर्चना तुम ना एक पोयम, एक भजन गाया करो। तो मैंने कहा भजन गाऊं? बोले हाँ, देखो कभी कभी कुछ चीज होता है ना, उसको अगर तुम लगातार लगातार करते रहो तो वो तुम्हारे अंदर उतरने लगता है। मैंने कहा ठीक है। तो बोला कि मैं एक बचपन से ही भजन गाया करता हूँ और वो भजन है, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए, तो देखो जीवन मेरा सार्थक हो गया, नहीं तो मैं अपना बिजनेसमैन था, कहीं कुछ कमाता खाता खत्म हो जाता, काम खत्म। तो देखो जीवन हमारा सार्थक कैसे हो जाए, तो ये हमें जाने अनजाने भजन मिल गया और मैं इसको गाता। तो मैं चाहता हूँ कि ये तुम भी गाया करो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना ये पोयम हम सबके लिए ही है, सबका जीवन क्यों ना सार्थक। तो ये वो सीक्रेट पोयम है और आज से इस पोयम को मैं अडॉप्ट कर चुकी हूँ और ये हमेशा हर क्लास में इसकी शुरुआत मेरी इसी पोयम से हो। तो आज मधु जी आपको ये भजन सुनाएंगे, ठीक है? यस मैम, हमारी इच्छा है कि हमारी मैम भी हमारे साथ इस भजन में गाने में हमारा सहयोग करेंगी मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर जब मैं करूंगी ना तो फिर मैं नहीं रह जाती हूँ, मैं सर में उतर जाती हूँ और वही सर चाहते हैं इसको मैम। जैसे कहते थे मेरे सामने ऐसा लग रहा सर बैठी हूँ कैसे मुझे कह रहे थे, वो मेरे में टोन आ जाता है। तो सर कहते थे सुनो अर्चना तुम ना इसको गाया करो। तो हमने कहा कैसे? तो कहते थे
नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ये नाते अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊंगा, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं। संसार का भय ये संसार का भय सुनकर मुझे लगता है हाँ शायद इसी पोयम की कुछ ताकत तो है। ये नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। फिर वो कहते थे कि अगर मांगना हो भगवान से तो क्या मांगोगी, सुनो, वो योग्यता दो सत्कर्म कर लो, हृदय में अपने सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए ना ये ना अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। बहुत बहुत थैंक यू मधु जी को वापस हमें पुरानी यादों में खोने के लिए। अब आते हैं आज के टॉपिक। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस क्लास का जो टॉपिक है, अभी जो ये सीजन चल रहा है कोल्ड कफ का, उस पे होगा। और सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग इस क्लास को पूरी तन्मयता के साथ सुने और ग्रहण करें अपने जीवन में। थैंक यू। तो आज की जो सेशन है इसमें हम लोग मौसम से संबंधित बीमारियां देख है ना, और इस समय क्या होता, क्यों क्यों मैं इस टॉपिक पे ले रही हूँ करंट पर। वैसे तो किसी भी टॉपिक पे लिया जा सकता है, किसी भी डिजीज पर लिया जा सकता है, लेकिन करंट की बड़ी जरूरत है। जैसे आज ही सुबह मैं गई, आज मैं ऑफलाइन बैठती हुई हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो आज कोइंसिडेंटली हमें फिर से 3 पेशेंट मिले हार्ट। और मजेदार बात, दिखाने वाले को भी नहीं पता कि हार्ट के पेशेंट, हार्ट के साथ घटना घट गई। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा कि मिनी स्ट्रोक रहा, बच गई जान। रिपोर्ट में लिखा हुआ है, सामने वाले को नहीं पता। तो लगता है कि कुछ तो कर पाए किसी के लिए, थोड़ा सा ही सही। नहीं हम कर सकते पूरा, नहीं हम इतने नॉलेजेबल हैं, हाँ लेकिन इतना तो है कि कुछ तो कर ले, ठीक है। तो आज आपको इसी हार्ट के बारे में और थोड़े कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगी। इस मौसम में जहां सर्दियां बहुत ज्यादा हैं, उसमें 2 प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा परेशान करें। कौन कौन सी? पहला हार्ट और दूसरा आपका ब्रेन का। बाकी भी कर सकता है, बाकी में क्या है, जैसे मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल रही हूँ आजकल, आप लोग देखते ही होंगे, कि बालों की समस्या ले ली, कहीं स्किन की ले ली, कहीं ठंड बहुत लग रही है। ठंड बहुत लगने से आपका कोई ऐसे जानलेवा हमला नहीं हो जाएगा, हमें वो चीज देखनी है जो हमारे लिए घातक है। तो
तो घातक में हार्ट और ब्रेन है। और सर्वे हमने बताया था पिछली बार, ये वीडियो में भी बताया था कि एक बार अगर किसी को पैरालिटिक अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो हर सेकंड 3 को पड़ रहा है, तो 3 में से 1 की डेथ होनी है और 2 जो होंगे वो क्रिपल्ड हो जाने, डिसेबल्ड हो जाने, तो हमें इससे बचाने का प्रयास करना। और दूसरा हार्ट अटैक से तो हम कैसे बचे, और ज्यादातर जो एल्डरली पीपल है, जो थोड़ा सा एज में ज्यादा है, उनको तो बहुत ही बचा के और बच के रहना है। बच्चों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और बच्चों में ये चीजें होंगी भी नहीं, तो ये मैं जो बता रही हूँ तो बड़ों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा, इसको ध्यान दें। किसको किसको आशंका है कि हार्ट या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, तो ये वो लोग होंगे जो केयरलेस है। केयरलेस मीन्स वॉट? केयरलेस का मतलब है कि ये वॉटर इनटेक पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ये वॉकिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है कि इनको चलने में दिक्कत है, इसलिए मैंने केयरलेस बोला, चलने में दिक्कत नहीं है, ये चलेंगे तो इन्हें कोई परेशानी हो जाएगी, लेकिन इनमें आलस ही है कि वो चलना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि केयरलेसनेस। तो आपको वॉक करना ही है। अब मान लीजिए कि आप वॉक के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ कारण है, आपके आसपास कोई एरिया नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई स्ट्रीट नहीं है, या जहां भी है वो एरिया ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जाके वॉक कर पाए, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप छत का सहारा लीजिए, छत भी नहीं है, घर के अंदर जो आपका रूम है, कमरा है, उसी के अंदर शुरू हो जाए। क्या करना है, आप लीजिए एक डंडा, अब डंडे से भागेगा पैरालिसिस और हार्ट अटैक, एक छोटा सा डंडा बना लीजिए। ये मैं सोच रही थी कि बुजुर्गों के लिए ये आइडिया अच्छा, और अचानक से मुझे एक डंडा दिख गया रखा हुआ, तो हमें लगा कि ये तो काम में आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो भूल जाते हैं और डंडा उनके पास ही होता है, छड़ी। तो आपको बिस्तर पर बैठ करके उठाना है, और कम से कम ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, डंडे से लेकर के, डंडा मैंने क्यों कहा, वो रहेगा तो याद दिलाएगा। तो आप कम से कम जब यूं करेंगे 5 बार, अगर 10 बार भी आपने ऊपर नीचे कर लिया, तो क्या फायदा होगा, आपके हाथ पर जो ये ज्वाइंट है, जकड़े हुए हैं ना, वो खुल जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस मौसम में जो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है उसका प्रभाव होता है, जिसकी वजह से जोड़ आपके जाम हो जाते हैं, बूढ़ों के ही नहीं, कम एज वालों के भी, छोटे बच्चों का छोड़ करके, क्योंकि वो ठहरते ही नहीं एक जगह। लेकिन अगर आप 2-3 घंटे लगातार, दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी, अनुपम जी मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम, आपकी आवाज तो बिल्कुल अच्छे से। ओ, तो आप लोग ना जिनको भी लग रहा है कि नहीं आ रही है, वो अपना जरा नेटवर्क चेक कर लें, ठीक है। हाँ जी, तो क्या मैं बोल रही थी, स्किप हो गया, डंडा मैम, डंडा, डंडा, तो डंडे से ठीक करिए अपने आप को। तो उसको जब यूं करेंगे तो बैठे बैठे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा आपको कि ये सारे ज्वाइंट की एक्सरसाइज हो गई, क्योंकि ये जो बैरोमेट्रिक प्रेशर मैंने कहा ना, इसकी वजह से वहां पे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं कि ज्वाइंट आपके स्टिफ हो जाते हैं, गर्मी में लूज रहते, बाकी टाइम में ठीक रहेगा। तो आप जो है अपने इसको हिलाते रहिए। दूसरा, बड़ी एज होने के कारण ठंडक बहुत लगती है, क्योंकि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो, और आपके जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है वो भी फॉल्टी हो जाता है, तो उसकी वजह से ठंड लगती है। तो हम बिस्तर पे जिस एरिया में लेटे हैं, जितनी दूर लेटे हैं, बस उसी में पूरी रात गुजार देना चाहते हैं, क्योंकि जरा सा भी पैर इधर उधर करेंगे तो ठंडा लगेगा, तो फिर अपना पैर सिकोड़ लेते हैं और उसी में अपना काम चला लेते हैं। इसकी वजह से भी हमारे ज्वाइंट वहीं के वहीं स्किप हो जाते हैं। हमें अपने आप को मूवमेंट में लाना है, तो पहला तो मैंने बता दिया, ये पोर्शन बस आपका अगर एक्टिव है, मैं ये रेकमेंड नहीं करूँ कि आप चलिए मत, हाँ, लेकिन एटलीस्ट आप बहुत बुजुर्ग हैं, बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो बैठे बैठे ये तो कर ही सकते हैं ना। और डंडा से एक सहारा होता है, अगर आपको मैं ऐसे हाथ से करूँ तो आप थक जाएंगे जल्दी, डंडे से लेकर के करेंगे तो एक आपको पकड़ बनी रहती है, तो उससे आपका ये जो एरिया है ऊपर का, ये बढ़िया हो गया, फिक्स हो गया।
और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कि बिस्तर में लेटे ही लेटे आप अपने पैरों को आगे पीछे हिलाते रहिए, मूवमेंट देते रहिए। तो ये तो हो गई जनरल बातें, क्या हमें नहीं करना पहले उसको भी समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं करना? आपको ये नहीं करना है कि कपड़े जरूरत से ज्यादा पहने। आप बोलेंगे अरे हमें तो ठंड लग जाएगी ना, नहीं लगेगी। आपको कपड़े बहुत ज्यादा बहुत टाइट नहीं पहनना। टाइट कपड़ों से भी ये बिल्कुल एकदम दब सा जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपको ये काम कतई नहीं करना। दूसरा, सॉक्स पहनकर कभी न सोएं। आप कहेंगे आप अजीब सी बातें बता रही हैं, हम सॉक्स पहनते हैं तो भी तो कांपते रहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट करिए ना। अब सॉक्स पहनने से क्या खराबी आ जाएगी? सॉक्स पहनने से ब्लड सर्कुलेशन में बाधा पड़ती, इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि सॉक्स पहन करके, पूरे पूरे स्वेटर पहन करके, जैकेट पहन करके ना सोएं। ये हानिकारक है, खतरनाक है, तो आप ये गलती ना करें। बिस्तर पे जाने से पहले अपने नॉर्मल कपड़े में आ जाएं, स्वेटर ना रहे आपके, इनर भी ना रहे, नॉर्मल जो कपड़े जैसे गर्मियों में पहनते हैं वैसा पहनिए। बाकी तो आपके पास कम्बल और रजाई है ही है ना, उससे कवर करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ठंडी लगती है, ऐसे कैसे हो पाएगा, तो उसकी जगह पे भी आप पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट आपको पता ही है, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, विंटर्स में आई थिंक मैंने 21-22 वीडियोस बनाई है उसके ऊपर, और अभी भी लगातार बना रही हूँ। तो जो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, किसी के सिर में ठंड लगती है, किसी के पैर में ठंड लगती है, किसी के पीठ में लगती है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करिए और करके और फिर देख लीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी, किसी ने लिखा कि 30 मिनट में हमारे सॉक्स उतर गए। तो ये सच है, 30 मिनट में 30 मिनट्स में उनके कैप उतर जा रहे हैं। तो आप इसको करिए अगर आपको बचना है सारी चीजों से। तब कैप लगा के बिल्कुल मत सोइए, उसकी जगह कोई भी आप टॉवेल वगैरह भले लपेट सकते हैं, लेकिन आप कैप वूलन होती है इसलिए उसको मत लगाएं, ये गर्म हो जाएगा, रफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप बाहर रहें, बाहर निकलें, तो आपको ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि आप सिर में टोपी ना लगाएं, ठीक है? इसी के लिए आइकन बनने के लिए हम ये लगा के बैठे होते हैं। कमरे के अंदर हूँ, पिछली बार बताया था जरूरत नहीं है, फिर भी लगा रही, इचिंग हो रही थोड़ी थोड़ी, फिर भी लगा के रखी आप लोगों के लिए कि कम से कम इतना तो समझिए कि लगाना चाहिए। Prevention is better than cure. तो ये काम करिए, पैर में सॉक्स डाल के रहिए। और मैं बार बार कहूंगी ठंडी लगे रिलेटेड पॉइंट को तो उन सीरियड जो भी उसने बताया है उसको अपना करिए। अब ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होंगे या हार्ट स्ट्रोक के सिम्टम क्या होंगे? पिछली बार मैंने ब्रेन स्ट्रोक पर बताया था, आज मैं हार्ट स्ट्रोक पर बताऊंगी, हार्ट अटैक पर। पहले तो समझिए कि अगर डॉक्टर की रिपोर्ट आपके सामने रखी होगी तो आप इसको पहचानेंगे कैसे? तो उसमें लिखा होगा कार्डियोमायोपैथी, या लिखा होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या लिखा होगा MI। तो ये जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं, आपको हार्ट अटैक शब्द नहीं मिल जाएगा कि आप पकड़ पाए, लेकिन ये जो टेक्निकल वर्ड हैं इससे हमें परिचित होना ही चाहिए। अगर आप एक्यूप्रेशर हीलर हैं तो जानकारी होना तो अच्छी बात है, तो ये होना चाहिए। ये तो हो गई मेडिकल की बात, इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे जब उसमें पता चल जाएगा। अच्छा, एक मजेदार बात, हार्ट की किस आर्टरी में, किस वॉल में, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये पहले से बॉडी आपको वॉर्न कर। हमारे पास जो मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि उंगलियों से करिए हार्ट के की डायग्नोसिस, मतलब इको कार्डियोग्राफी करना है तो उंगली से कर सकते। हार्ट का आपको करना है ECG, हार्ट से कर सकते, उंगली से कर सकते। तो वो हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई, उसके बाद मेरे पास इतने कॉल आए वेरिफिकेशन के लिए। इसमें शायद मैं देखती हूँ कि वो लोग जुड़े हैं कि नहीं, नहीं अभी मुझे नहीं दिखता है शायद।
तो उन्होंने बताया कि दो तीन लोगों को उन्होंने डायग्नोस किया केवल फिंगर के अकॉर्डिंग। ये आप में से किसी ने किया हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं अपनी बात। तो एक ने तो बताया कि जो रिपोर्ट उन्होंने फिंगर से डायग्नोस करी थी सेम रिपोर्ट उनके इको में आया। एक दो लोगों ने और ऐसे कंफर्म किया। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपनी उंगली को दबा दबा के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिद्धहस्तता चाहिए। बहुत से लोगों ने बोला कि हमें ऐसे ही बस पेन होता है तो भी क्या उसी की है, तो नहीं। आपको अगर कोई इंजरी हो गई है, कोई अर्थराइटिस है, तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। फिर तो हमें अर्थराइटिस के हिसाब से देखना पड़ेगा। कोई बोल रहा है कि हमें वहां पे गांठ है तो क्या करें, क्या गांठ भी वही है? हो भी सकती है, नहीं भी। जब तक हमें पूरा नहीं पता होगा तब तक हम नहीं डायग्नोस कर सकते ना। इसीलिए हमने एक मोटा मोटा रफ बताया कि अगर ये सिम्टम्स हैं और उसके साथ में ये उंगलियों का आ रहा है, आपको कोई न चोट लगी, ना आर्थराइटिस है, ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बस आप देख रहे हैं कि उंगलियों में अचानक से ट्विस्टिंग हो रही है, उंगली में अचानक से ये प्रॉब्लम आ गई या पस निकल रहा है, या वो फंगल इन्फेक्शन अगर आपको इस मौसम में जाड़े में होता तो वो इसमें नहीं आएगा, वो अलग हो गया। तो आप इन चीजों को, बारीकियों को धीरे 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 समझते जाइए, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अब इसके सिम्टम पे थोड़ा आ जाते हैं। सिम्टम भी हमने बहुत सारे बताए हैं, फिर भी यहाँ बता दें। एक सिम्टम होता है आपका हार्ट से पहले, वैसे हमारे सामने एक पिक्चर दिख रहा है अमित जी का। अमित जी सिम्टम बताएंगे क्या कि MI यानी हार्ट अटैक से ठीक पहले पेशेंट को क्या सिम्टम आते होंगे, फिर मैं उसको इलेबोरेट कर देती हूँ, तब तो इंटरेक्शन होगा असली। आर यू रेडी अमित जी, अमित कपूर जी? हेलो। हाँ जी जी मैम, आपका नाम दिखा तो मैंने आपको रैंडमली ही सेलेक्ट कर लिया, अचानक से याद आ गया कि हाँ आपने बताया था कुछ तो लास्ट बताएंगे। हेलो जी मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। ओके, आप सिम्टम बताएंगे? मैम सिम्टम्स तो पेन है। अब जैसे लास्ट टाइम तो मैंने, मेरा जब हुआ था तो मैंने टंग से ही डायग्नोस कर पाया था उस चीज को। ओके ग्रेट, क्योंकि उस टाइम हम लोगों ने टंग डायग्नोसिस पढ़ा था। हाँ अमित जी, पहले आपने डायग्नोस किया था या पहले डॉक्टर ने डायग्नोस किया था? नहीं, मुझे पहले ही डाउट हो गया था, तभी मैंने आपको मैसेज किया था प्रज्ञांशु जी को कि मैडम से मुझे बात करना है अर्जेंट, टेस्ट कराने, तो मैं बाद में पहुंचा था। इतनी वंडरफुल बात हो गई कि प्रॉब्लम होने से पहले इन्होंने अपने से खुद ही डायग्नोस कर लिया कि हमें अटैक आने वाला है। ये जबकि मैम सुबेरे ECG कराया था वो नॉर्मल था, बट फिर भी मैं इको कराने इसीलिए गया था क्योंकि मुझे डाउट था कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, तो ये कितनी वंडरफुल चीज है कि आप जांच को कंफर्म करने के लिए करा सकते हो, अलग बात है, लेकिन पहले ही पता चल जाए कि हमें ये होने वाला है, और ऐसा किसी भी पद्धति में नहीं है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रही किसी थेरेपी की, लेकिन जो जनरल और सच बात है वो बता रही हूँ कि शायद ही कहीं पर आपको ये चीजें मिले कि हार्ट अटैक आने वाला है, उसके पहले ही 15-15 दिन पहले आप डायग्नोस कर। तो इन्होंने टंग देख करके अपने से ही डायग्नोस कर लिया हार्ट। ये भी वीडियो वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर, लेकिन इन्होंने देखे अपने से डायग्नोस कर लिया। अच्छा सिम्टम आपको क्या आए थे अमित जी? मैम पेन था, थोड़ा सा घबराहट सी थी, मतलब डायबिटिक है तो उस वजह से ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं फेल हो रही थी। यही कारण था जो मैंने आपको सेलेक्ट किया कि डायबिटिक पेशेंट में अटैक के क्या क्या सिम्टम होते हैं। मैम ज्यादा पेन भी नहीं फील होता है, जैसे नॉर्मल किसी को पेन होता है वैसा कुछ भी नहीं था, पहले से कोई सिम्टम्स आपको फील नहीं होते हैं, बट थोड़ी सी बेचैनी सी फील होती है बस, बट लगता है कि जैसे कुछ सेंटर ऑफ द चेस्ट में कुछ पेन सा हो रहा है, बट वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है कि आपको बियरेबल ना हो। क्योंकि जो डायबिटीज है इसमें जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं ये थोड़े से सेंसिटिव कम हो जाते हैं, तो इसमें आपको सिम्टम नहीं देता ज्यादा। बहुत ज्यादा देगा तो बड़ी गैस होगी, बर्पिंग होगी, और मेन आपको यहाँ पर ना ऐसा फील होगा कोई दबा रहा है,
बड़ी उलझन बेचैनी। अब आप देखिए, अगर आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो भी आप इमेजिन करिए कि अगर हमारे यहाँ पर कोई सिम्टम आए तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? हाथ पे जाएगा, क्योंकि ये हाथ है। अगर यहाँ पे जाएगा तो हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए? लंग्स और हार्ट में। तो सिम्टम तो दे रहा है कि सेंटर ऑफ द चेस्ट में हैवीनेस फीलिंग हो रही है, आपको उलझन हो रही, घबराहट हो रही। लेकिन चूंकि आपका डायबिटीज है, डायबिटीज में बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं आते बिकॉज ऑफ पेन रिसेप्टर, तो यहाँ पर पेन कम, बाकी सिम्टम्स आएंगे, पसीना पसीना आपको जाएंगे, खूब पसीना होगा, सोते सोते पसीना आ जाएगा, ठंडा पसीना होगा, गर्मी के मौसम में नहीं, सर्दी के मौसम में पसीना फेंक दे, क्योंकि हार्ट निचुड़ रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैम, ये वो सिम्टम होने वाला है, दो दिन का ही टाइम है। अच्छा, इसीलिए मैं 11 तारीख को आया था। अच्छा, आप एनिवर्सरी, बढ़िया। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अपने से हार्ट अटैक जैसी चीजों को समय से बहुत पहले जान लेना, आपको नहीं लगता। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो आप डायबिटीज के पेशेंट हैं अगर, तो आपको ये जानना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं, और तब अगर आपको सीने में यहाँ पर भारीपन और बेचैनी लगे, आप बोल सकते हैं कि अगर इंडाइजेशन होगा तो भी यही सिम्टम आएंगे, लेकिन उसमें उलझन घबराहट वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। गैस होगी, आप परेशान रहेंगे, डकार लेते रहेंगे, यहाँ वहां टहलते रहेंगे, लेकिन इतना परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो हार्ट का होगा तो आपको बहुत उलझन घबराहट और परेशानी होगी। इसके अलावा सबसे बढ़िया और एक तरीका है, अगर आप कंफ्यूज हैं, नहीं समझ पा रहे, नहीं पकड़ पा रहे, तो आपके पास में डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, आप एंटासिड ले लीजिए या तो सॉर्बिट्रेट रखें। पहला जो ऑप्शन है वो है एंटासिड्स। अगर एसिडिटी हुई है, एंटासिड्स खा लिया तो कंफर्म हो गया कि ये गैस का था, अदरवाइज हम दूसरे तरफ मूव कर जाएंगे कि भाई नहीं, इससे नहीं हुआ, इसका मतलब हार्ट का। और दूसरा होता है कि आप सॉर्बिट्रेट मेडिसिन रखिए अपने पास में और उसको खिला देते हैं लोग, उसके बाद आराम मिल गया तो श्योर शक हो गया कि हाँ ये वही था। तो ये तो हुआ वो पक्ष जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। कब करेंगे, किसको करेंगे? अगर आप हाई बीपी के पेशेंट, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल टू मच है, भाग रहा है ऊपर की तरफ, तो प्रिकॉशन के लिए ये चीजें आपको बताई जाए। लेकिन हमारे क्यों प्रेशर का सॉर्बिट्रेट कहाँ है, यहाँ के एंटासिड्स कहाँ है, वो भी है। तो एक्यूट प्रेशर का सॉर्बिट्रेट आपको रखना नहीं, वो है ही है आपके पास, आप जहां जाएंगे वहां पीछे पीछे चलेगा। क्या है वो? वो है आपकी ये, इसके बड़े मीनिंग होते हैं। कहते हैं कि उंगली कर दिया, यानी पॉइंट क्यों कर दिया, और ये वही है वॉशरूम के लिए भी लोग यूज करते हैं। लेकिन ये उंगली एक्यूट प्रेशर में बड़ी इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए। तो आपको यहाँ पर नेल के कॉर्नर में जोर से दबा के देख लेना है, यानी सॉर्बिट्रेट देना, एक बार के दबाव में ये सॉर्बिट्रेट जैसा। मैम प्लीज, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, इसलिए देख नहीं पाई कौन। स्क्रीन मेरी नहीं क्यों आ रही है भाई? नहीं मैडम, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैम, अब आ गई, अब आ रही है। तो छोटी उंगली में जो H9 पॉइंट है, मैं पहले बता चुकी हूँ, वीडियो भी बनी हुई है क्या अटैक के समय क्या करें। तो जब आप इस पर प्रेशर देते हैं तो वो इमीडिएट सॉर्बिट्रेट की 300 mg चली गई आपके, और इमीडिएट आपको यहाँ हो गया राहत। अब राहत का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे, नहीं, आपको ये पता चल गया कि समथिंग वॉज गोइंग रॉन्ग इन साइड अवर हार्ट। तो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट के लिए, आप अपनी टंग डायग्नोसिस करिए, वो भी उसमें दी हुई है। नहीं कर सकते हैं तो आप किसी अपने सीनियर से, जो आपका साथी हो, उससे डायग्नोस करवा लीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। मैं ये नहीं चाहूंगी कि यहाँ कोई नया जुड़ा हो, पहली बार जुड़ा हो, और वो इमीडिएट हार्ट अटैक जैसी चीजों को ट्रीट करे। लेकिन आपके शहर में, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो बंदा ऑथेंटिक है और जानकार है, कर सकता है। तो
नहीं तो ये प्लेटफॉर्म तो हमेशा आप लोगों के लिए ओपन ही है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे ये परिवार हैं ये अपने आप में सक्षम है, ये खुद करें। जहां इन्हें लगता है कि नहीं यहाँ जरूरत है, वहां के लिए मैं रेडी हूँ, हमेशा रेडी हूँ 24 आवर। तो पहले खुद से ट्राई करिए। अब जैसे अमित जी ने ट्राई किया, मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट इन्होंने टाइम रहते बचा लिया, अदरवाइज बहुत ही मेजर अटैक होने वाला था जिस हिसाब से रिपोर्ट दिखी। तो ये हो गया आपका सिम्टम, तो ट्रीटमेंट भी हो गया, प्रिकॉशन भी हो गया, और इसको चेक भी करते रहिए समय समय पर। आपको आगे जा करके, आज आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बीपी 100 रहता है, डायबिटीज भी है, लेकिन आपको चेस्ट में कोई दिक्कत है नहीं, आगे हो तो नहीं जाएगी। अगर इसको भी कंफर्म करना हो तो आप अपना जो हार्ट का सीएमपी पॉइंट है, ये हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादातर जो हमारे मेंबर्स हैं वो हमारे एक्यूप्रेशर के ब्यूटीफुल फैमिली है, तो इतना तो उसको पता है, एक्सपर्ट है सर, फिर भी हमें सुनते हैं, ये इनकी महानता है। तो आप जो इसकी सीएमपी है, सीएमपी जिसको समझ में ना आता हो वैसे समझ लीजिए कि इसका भी तो बनाया है मैंने शायद, कि ये जो मिडिल ज्वाइंट है, मिडिल ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे यहाँ दबाना शुरू कर दीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ज्वाइंट के नीचे अब दबाएंगे तो आपको लोकेशन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, आपको चीख निकल जाएगी कि अरे इतनी जोर से क्यों दर्द हो रहा है। और ये भी कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था जिन्हें कोरोना हो करके ठीक हो गया था, और उन्हें हमें पता था कि इसके बाद नेक्स्ट में बहुत सारे लोगों को अटैक्स आ रहे हैं, तो प्रिकॉशन के लिए मैंने उन्हें बोला था कि आप इसको दबा के अपना चेक करते रहिए। तो बहुत से लोग थे जो चेक कर रहे थे, और चेक करने के बाद उन्हें पेन मिला तो उसको दबाते दबाते उन्होंने अपने आप को नॉर्मल रखा, पेन धीरे धीरे क्या होता है सबसाइड हो जाता। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको नहीं माना, बोला अरे तो कहीं भी दबाओ तो होता है, फिर भी हाँ यहाँ बहुत दर्द है, वो नहीं माने। उसके बाद 15-20 डेज के बाद में सडनली उनको सिम्टम्स आ गए अटैक पर, तब इमीडिएट उन्हें ध्यान आया और फटाफट दबा के कंट्रोल किया। तो आप इसको माने या ना माने, मैं किसी को भरोसा नहीं दिलाना चाहती कि भाई हमारी दुकान पे आना, हमारी दुकान बहुत अच्छी है, ये माने एक्यूप्रेशर और हमसे बढ़िया कोई नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आपको भरोसा हो ना हो इसको तो दबा लीजिए, इसको करने से कौन सा नुकसान हो जाएगा। माना कि एक्यूप्रेशर बिल्कुल बेकार है, कोई काम नहीं करता बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग, हाँ लेकिन इतना तो कर ही लेगा कि आपको प्रोटेक्शन दे देगा। और यहाँ पर हमारी फिर से हमें ध्यान आ गए, एक निशा जी है, आज ही हमारी कुछ घंटे पहले उनसे मुलाकात हुई है। मैं चाहती हूँ कि अगर वो इस समय जुड़ी हैं और हैं यहाँ पर, तो वो बताएं कि क्या एक्यूप्रेशर से गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं, और उन्होंने क्या देखा है इसका रिजल्ट। आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। और आज ही संयोग से आपके क्लास के थोड़ी देर पहले ही हुआ था, मैंने बोला था कि आप इसमें जुड़िएगा। तो अगर निशा जी हैं और मेरी बात सुन रही हैं तो निवेदन करती हूँ कि आप अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या आपने ऐसा देखा। आप चाहे तो कैमरा ऑन कर सकती हैं, और अगर आपका मन ना करे तो आप नहीं कर सकती। मैं एक बार दोबारा, एक सेकंड के लिए मैम दोबारा से प्लीज बोलूंगी। मैं ना यूरिन बाथरूम के लिए गई थी। कोई बात नहीं। मैं ये बोल रही थी कि एक्यूप्रेशर से सचमुच में किसी चीज में फायदा वायदा होता है क्या, और अगर होता है तो आप अपना जो आज एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी वंडरफुल था, मैं तो खो गई। तो मैं चाहती हूँ कि वही एक्सपीरियंस आप जरा सा यहाँ शेयर करें। भाई इन निशा जी को जरा सा स्क्रीन पे ला दीजिए, कैसे लाएंगे। 20 में मेरे हस्बैंड को डायग्नोज हुआ था कैंसर, लंग्स कैंसर का बताया गया। तो हम बहुत सारी फैमिली बहुत परेशान हो गई एकदम से,
लेकिन मेरा विश्वास था कि मैं इसमें हूँ एक्यूप्रेशर में, तो मुझे पक्का विश्वास था कि मेरी फैकल्टी इतनी अच्छी है वो सब कुछ ठीक करेंगी। मैं एक बार सलाह लेना चाहती हूँ, सभी ने मेरा विरोध बहुत किया कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है भी, हमें तो डॉक्टर से ये लेना है वो करना है सब कुछ उन्होंने किया। मैंने कहा आप अपना काम करते रहो, मुझे अपना काम करने दो। मैंने अर्चना जी को मैसेज किया, ये अनुपम जी जरा इनके इनको स्क्रीन पर लाइए, मुझे नहीं दिख रही है। स्क्रीन पे है मैम अभी, मुझे क्यों नहीं दिख रही, मैं क्या करूं बताओ? स्पॉटलाइट कर दिया मैम उनको मैंने। अच्छा आपको रिमूव करना होगा मैम। ओके अभी स्पॉटलाइट है। तो मैंने मैम से कांटेक्ट किया, मैंने इनको मैसेज जो ग्रुप में होता है ट्रीटमेंट वाला है तो उसमें मैंने बात की डिस्कस किया, तो इन्होंने कहा कि हो सकता है आप ये प्रोटोकॉल लगाइए। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डिसअपॉइंट से थे, वो सोच रहे थे करूं या ना करूं, पर उनको कलर से बहुत फर्क पड़ता है एकदम से गैस एसिडिटी का, तो उन्होंने कहा निशा तू भी अपना ट्राई करके देख ले। मैंने बहुत शिद्दत से जो जो इन्होंने प्रोटोकॉल मैडम ने भेजा मैंने वो लगाया, लगाती रही, दिन में इनका प्रोटोकॉल भी लगाया, रात में मैंने दूसरा एक और प्रोटोकॉल लगाया, लगाते रहे, मतलब हम 3 महीने तो लगातार बिल्कुल नॉन स्टॉप प्रोटोकॉल लगाए। और फिर एक थोड़े दिन के लिए ये रुक गए, मैंने कहा एक बार आप टेस्ट करवा के देखो मुझे, मैं चाहती हूँ कि आप टेस्ट करवाओ। तो ये चेक करवाने गए, उन्होंने कहा कि काफी कम लग रहा है, पार्शल सा दिख रहा है अब तो। इनको हौसला हुआ, फिर से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, 2 महीने फिर से लगाया हमने। और मुझे तो ये कहते हुए इतनी ज्यादा खुशी है क्योंकि मैं समझती हूँ कि सती जैसे सती ले आई थी ना अपने पति को, वैसे तो अर्चना जी ने वो सती का रूप लिया, लेकिन मुझे उनका सपोर्ट रहा और मैंने ट्रीटमेंट जो जो करती गई उससे मेरे हस्बैंड का बिल्कुल नील आया है, 4th stage का कैंसर और बिल्कुल नील आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस पैथी की देन है, और 2 टेबलेट लेते थे ये एलोपैथी की, वो सुबह शाम अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि वो बंद नहीं करेंगे जब तक उनका तो बिजनेस चल रहा है, सीधी सी बात है। और ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने बंद कर दिया, पर बिल्कुल ठीक है वो। आज उनसे बात हो गई आपकी तो फिर कोई जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल बंद कर दिया। तो बड़ी बात है कि कैंसर जैसी चीज वो भी 4th grade का लंग्स का, वो एक्यूप्रेशर से आपने ठीक कर लिया। आपने नहीं मैम, आपने ही ठीक किया। मैंने दिया एप्लीकेशन, आपने किया, तो थैंक्स है इस थेरेपी को और आप जैसे लोगों को कि इसको सीख करके कितना भला कर रहे हैं लोगों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, आपका शुक्रिया जो आप हमारे पास हो, हमारे साथ हैं, हमें अब मुझे डर नहीं लगता। मैंने आज जो आपसे ट्रीटमेंट लिया है इसका भी बताती हूँ कि मैं तभी लगा लिया था मैंने जैसे ही आपने बताया, तो पहली बार यूरिन पास कर किया तो स्मेल आई है उसमें मैम। अब मैं इसको पॉजिटिव ले रही हूँ कि कुछ बढ़िया ही वजह होगी, तो मैं आपको 3 दिन बाद बताऊंगी आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये है भाई एक्यूप्रेशर की पोटेंसी जो इन्होंने बताया, और बहुत जरूरी होता है ये आपके सामने रखना जिससे हम प्रॉपर वे में रिजल्ट भी देखते रहें, समझते रहें, ठीक है। अब मेरी फोटो फिर से एक कोने पर चली गई है, उसको कैसे रिमूव करोगे बताओ भाई? स्पॉटलाइट पे है मैम। अच्छा दिख रहा है सबको? स्पॉटलाइट पे है मैम, सभी को दिख रहा हूँ। दिख रहा है ना, ठीक है। मैं जब खुद नहीं देखती मैं लगती हूँ कि पता नहीं लोग देख पा रहे हैं। बढ़िया, तो ये रिजल्ट्स हैं कि हर एक चीज में हर जगह आपको एक प्रेशर का। अब फिर से लौट के आ जाती हूँ हार्ट पर, कि हार्ट के वो सिम्टम जो डायबिटीज के केसेस में आपने देखा, ठीक है, नॉन डायबिटिक वाले भी आपको मिलेंगे। क्या होगा, अचानक से रात में ज्यादा, क्योंकि दिन में आपका फिर भी मूवमेंट होता रहता है तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। रात में अगर ऐसा हो गया, आप ज्यादातर रेस्ट में होते हैं, बढ़िया एकदम टाइट लेटे होते हैं, रजाई भी, कंबल भी, कान बंद, सब बंद, कपड़े एकदम टाइट, तो और हार्ट का टाइम है, उस समय अगर एनर्जी कम है तो आपके अटैक हो जाता है। तो इसीलिए रात में ये केसेस आपको ज्यादा मिलते हैं। तो क्या होगा, खाया तो था आपने दाल रोटी नॉर्मली, सब्जी रोटी नॉर्मली, लेकिन आपके गैस बननी शुरू हो गई अचानक से, और इतनी गैस बन रही कि आपका दिमाग खराब, और गैस
बनती है, सभी लोगों को बनती है, खूब आपने देखा होगा किसी की गैस निकलती है किसी की नहीं निकलती, फंसती है, जिनकी निकल गई पता चल गया हाँ भाई ये गैस बन गई, किसी किसी की नहीं निकलती वो घबराहट मतलब पसीने पसीने नहीं हो जाएंगे, हाँ ठीक है बन रही है परेशान है कुछ कभी चूरन खा रहे कभी ये खा रहे वो खा रहे, लेकिन जो हार्ट वाला होगा एकदम बिल्कुल पसीना फेंक देगा, एकदम परेशान हो जाएगा, उसको उबकाई आएगी उल्टी आएगी, यही वो सिम्टम है जो कंफ्यूज करेंगे आपको, इसलिए बता रही हूँ कि कभी ऐसा हो जाए तो डरिए मत घबराइए मत, हम लोग सोचे ठंड लग गई हो इसलिए इस आदमी को उल्टी हो रही है या इसको लूज मोशन हो रही है, लूज मोशन नहीं है ये, बाकी भी प्रॉब्लम नहीं है ये हार्ट का है, आपको ध्यान देना है कि ऐसी घबराहट जो बेचैन कर दे आप बिस्तर पर लेट ही ना पाए, गैस में तो आप उलटते पलटते रात तो अपनी बिताई लेते हैं, इसमें नहीं बिता पाएंगे, इतनी घबराहट इतनी बेचैनी इतनी उलझन होगी कि आप लोगों के प्राण निकल जाएंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे एक जगह, भागेंगे यहाँ वहां, उल्टी होने लग जाएगी, लूज मोशन होने लग जाएंगे, क्योंकि वो हार्ट अपने आप को हर तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है, फिर आपको पसीने पसीने हो जाएंगे, जाड़े के मौसम में भी आपका पूरा बनियाइन भीग जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है, फिर आप बोलेंगे लग रहा है हमने कपड़े ज्यादा पहने, कपड़े कम करेंगे, ठंडक लगनी शुरू हो जाएगी क्योंकि हार्ट ठीक से सपोर्ट तो कर नहीं पा रहा है, तो ये जैसे ही सिम्टम दिखें आप और सिम्टम का वेट ना करें कि और सिम्टम आ जाए, सीने में दर्द तो हो ही नहीं रहा है मत होने दीजिए, अगर भारीपन दबाव के सिम्टम आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, क्योंकि हर एक पेशेंट के ऊपर सिम्टम थोड़े वैरी करते हैं, किसी किसी को केवल गैस 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 की परेशानी, किसी को एब्डोमिनल पेन होता है आपके नाभि से ऊपर या फिर गैस्ट्रियम रीजन में पेन होता है, और ये सारी चीजें मैंने कहाँ से प्रैक्टिकल सीखी हैं, मैं ग्रेजुएशन में थी तो हमारे जो जूलॉजी के सर थे वो बहुत मानते थे, आज भी बहुत मानते हैं, तो एक बारी वो जब आईसीयू में थे तो मुझे वहां से कॉल किया कि अर्चना दौड़ के आओ तुम्हें कुछ सिखाना है, मतलब ऐसे ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला है कि मैं तो अपना भाग्य सराहती हूँ कि जरूर मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा कुछ किया होगा, जो हमें ऐसे ऐसे गुरु और अभी इतने बढ़िया बढ़िया फैमिली से मुलाकात हुई है कि ये व्यक्ति आईसीयू में है और फोन करके बोल रहा है कि अर्चना आओ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैंने बोला कहाँ है आप सर? बोला मैं आईसीयू में हूँ। मैंने वहां क्या बोल रहे कर रहे हैं? बोला अरे मेरा हार्ट का ओपन सर्जरी हुआ है। मैंने कहा आपको क्यों? बोला वही बताना चाहता हूँ कि ये सिम्टम तुम कैसे समझोगे। तो बताया कि हमें जा रहे थे हम कहीं पे वॉक करने, तो हमें यहाँ पे सीने में दर्द हो रहा था, सीने में दर्द नहीं गैस बन रही, तो उनके जो सर के साथी थे वो बहुत ही बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो वो दोनों साथ ही टहल रहे थे, तो उन्होंने कहा आज पता नहीं क्यों बड़ी गैस बन रही, बड़ी गैस बन रही पहले कभी नहीं बनी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम ऐसा करो अभी तुम घर जाओ और ठीक 9 बजे हमारे क्लिनिक पर मिलो, तो वो हंसने लगे, बोले तुम्हें हर मरीज जो है हार्ट का पेशेंट दिखता है, हम कह रहे पेट में दर्द हो रहा है तुम कह रहे हो कि नहीं हमारे क्लिनिक में आ जाओ, बोला कि आप इग्नोर मत करो आप आओ जरा कुछ बात करनी इसलिए मैं कह रहा हूँ, कुछ पेट वेट की दवाई दे दूंगा, वो गए वहां पर और उन्होंने उनका इमीडिएट ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके ओपन हार्ट सर्जरी कर दी और उसमें से कई सारे क्लॉट्स निकले और जबरदस्ती कर दी, बोला हम नहीं मान सकते चलो अभी तुरंत करो, करने के बाद बोले कि बताओ अर्चना ऐसे ऐसे दोस्त हैं हमारे, दोस्त हैं कि दुश्मन पता नहीं, जबरदस्ती अच्छे भले आदमी उठा के ले जाके कर दिया, तो यही वो समझाना चाह रहे थे कि देखो ये सिम्टम भी आता है हार्ट का, चेस्ट में हमारे कोई दिक्कत नहीं कुछ भी नहीं था, फिर भी उस आदमी ने हमें पहचाना क्योंकि उसके साथ हमें घबराहट भी था, ठीक है, तो जब घबराहट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये एब्डोमिनल पेन के साथ घबराहट कब होने लगी, अब वो चूंकि कार्डियोलॉजिस्ट थे सर्जन थे उन्हें तो सारे सिम्टम्स ऐसे ही पता है, तो फटाफट वो ले जा करके और उनकी सर्जरी उन्होंने करी, बोला अगर नहीं करेंगे तो ये प्लॉट कभी भी कहीं भी जा करके आपको तंग कर देता, तो इमीडिएट उन्होंने किया और आज बिल्कुल वो स्वस्थ हैं, तो ये सिम्टम्स बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि इन चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड करें समझें, ठीक है।
अब मैं एक और सिम्टम बताती हूँ, और वो सिम्टम है आपका बिना किसी कारण के अचानक से आवाज आपकी धीमी हो जाए। अभी नॉर्मली बोल रहे हैं माइक, मैं नहीं माइक, माइक से आवाज आपको नॉर्मल मिल रही है, लाइट चली जाए जिससे ये कनेक्ट है माइक, आवाज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वो धीमे धीमे मेरी जो अपनी आवाज है वही थोड़ी सी निकलेगी। तो ऐसे ही अगर आपके हार्ट में करंट कम हो रहा है तो आवाज धीरे धीरे आपकी कम होती जाती है, आप तेज बोल ही नहीं सकते, और अगर बोलेंगे तो थक जाएंगे। तो ये भी सिम्टम आपके हार्ट के। और पहले अगर आप जानना चाहें 6 महीने पहले, 1 साल पहले, कि हमें आगे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो आप जस्ट वॉक करना शुरू कर दीजिए। अगर आप वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक नहीं, रनिंग नहीं, वॉक मीन्स वॉक, रिलैक्स वाला वॉक, तो आप बहुत दूर तक चलते चले जाएंगे, लेकिन आपको ब्रीदिंग ट्रबल नहीं होगी, ज्वाइंट में पेन होगा, थक जाएंगे, वैसा वाला थकान होगा, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि अब जान निकल गई, फूल लगे, अब खड़ा ही होना पड़ेगा। आदत नहीं है लगा, अगर आपने अचानक से लंबी दूरी तय करी तो आपको ये सिम्टम आ सकता है, लेकिन अगर ये हार्ट का होगा तो आपको तकलीफ देगा। तो अगर आपको ये तकलीफ हो कि आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और वॉक करते समय आपको सांस फूलने लगे, और जब आप खड़े हो जाएं, सांस तो लंग्स की प्रॉब्लम में भी फूल सकती है, आप ये सोच रहे होंगे, है ना, तो फूलेगी, लेकिन जब आप खड़े हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगी, जब आप चलेंगे तो फिर फूलेगी, फिर रुक जाएंगे तो फिर आपको रिलैक्स हो जाएगा। ये बता रहा है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड योर हार्ट, कि अंदर हार्ट में आपके ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई है। कितनी है, हो सकता है 50% के आसपास। परसेंटेज कैसे जान सकते हैं, अगर 60% हुआ, 70% हुआ, तो आप वॉक के लिए जा ही नहीं पाएंगे, थोड़ा सा भी चलेंगे और आपको यहाँ पर सीने में एक बोझ मालूम होगा, उसको हम टॉलरेट कर लेते। 80% अगर हो जाएगा तो आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए, MRI हो रही है आपकी, CT NGO हो रही है, 80% हो गया तो आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे तो थोड़ी देर रेलिंग पकड़ के झुक के सांस लेंगे, बोलेंगे यहाँ बड़ा भारी भारी लग रहा है। नॉर्मली अगर हीमोग्लोबिन कम है और आप दौड़ के चढ़ेंगे तो भी आपके साथ फूलती है, लेकिन यहाँ आपको भारी नहीं लगेगा, हैवीनेस और बेचैनी नहीं महसूस होगी, लेकिन हार्ट वाला होगा उसको यहाँ बड़ी असुविधा हो जाएगी। फिर वो क्या करता है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो बहुत शातिर है, वो कहेगा सीढ़ी जब चढ़े थे तो हमें दिक्कत हुई, तो हम एक काम करेंगे, हम लिफ्ट लेंगे, चढ़ना ही नहीं सीढ़ी। तो आपने किसको प्रिवेंट किया, अपने हार्ट को प्रिवेंट किया कि अपनी प्रॉब्लम को छुपाया, छुपाया, और वो भी कब तक छुपाते हैं, जब तक कि आपके बच्चे, वाइफ या हस्बैंड, मतलब कोई भी वो जान न ले। फिर वो कहते हैं भाई तुम्हें सीढ़ी चढ़ते समय क्यों दिक्कत हुई, बोला नहीं वो थोड़ा सा थकान हो गई। ये 70% का था, 80% आते आते आप हाथ में कुछ भी उठाएंगे ना तो थक जाएंगे, झोला लेके आप गए सब्जी लेने या कुछ भी ऐसे कि चलो गए हुए हैं कुछ ले लेते हैं, थक जाएंगे और बहुत थक जाएंगे। फिर घर वाले बोलेंगे क्या जरूरत थी आपको ये थैला वैला उठाने की, आपकी उम्र हो गई। उम्र का क्या मतलब है, जब तक आप जीवित हैं ना तब तक आप पूरे काम कर सकते हैं, कहीं ना। मैंने ऐसे भी एज वालों को देखा है 90+ है लेकिन उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती, चलना उठना फिरना ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसलिए आप ये भ्रम निकाल दें कि एक एज हो गई है तो ये मत सोचे। तो क्या करना है आपको कि जब आपके झोला उठाने में या कोई कुछ भी उठाने में, कैरी करने में आपको यहाँ पे भारीपन लगे, हाथ में उठा रहे हैं तो हाथ में दर्द होना चाहिए ना, यहाँ क्यों प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ प्रेशर का मतलब यहाँ कौन रहता है, हार्ट रहता है। तो उसको भी इग्नोर कर दिया, छुपा दिया, बताया ही नहीं किसी को, कार में बैठ के चले गए, छुप गया। आप अपने अपना कैरी बैग सब्जी वाले को दे दिया, उसने सब्जी डाल दी और आपके गाड़ी में रख दिया, छुप गया आपका, चोरी नहीं पकड़ में आई। और जब 90% हो जाता है
तो क्या होता है, आप जरा सा भी झुकते हैं यहाँ भारी हो गया, थोड़ा दूर चले बैठ गए क्या हुआ, अरे यहाँ बड़ा अजीब सा हो रहा है, धक धक हो रहा है। नहाने के लिए आपने पानी का मग उठाया और यहाँ पे आपको दिक्कत हो गई, चिलकन होने लगी। तब आप सोचते हैं कि नहीं कुछ लग रहा हो रहा है, चलो बताया जाए घर में बच्चों को। फिर आप घर में अपने फैमिली को बताते हैं कि हमें तो दिक्कत हो रही है। कुछ लोग उसको भी अवॉइड करते हैं, शार वाला ऑन कर लिया, वहां से सीधे यूज कर लिया, और तब फिर उनको सीधे अचानक से एक दिन अटैक ही आता है सीधा, और फिर सीधे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हमें ये सिम्टम्स बताए नहीं जाते, ऊपर वाला हमारी बहुत मदद करता है, वो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर मेहरबान है, लेकिन हम उसको भी अवॉइड करते, इग्नोर करते। उसका कारण क्या है, लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस की कमी। एक हम मोबाइल लेते हैं ना, और हमें इसके बारे में मान लो कुछ पता नहीं है, तो हम पूछेंगे लोगों से कि भाई ये इसका ये फीचर क्या है, नहीं तो कहीं यूट्यूब वगैरह हम जाके सर्च मारेंगे कि ये क्या है, बता देगा। लेकिन अपने बारे में क्या हो रहा है ये कभी नहीं सर्च करते कि why I'm feeling heaviness in chest, ये सर्च नहीं मारेंगे। why I'm feeling like this या ये वो, मतलब ये सर्च नहीं मारेंगे। दिन भर यूट्यूब पर बिताएंगे हम, दिन भर हम बाकी सोशल मीडिया में बिताएंगे, दूसरों की कहानियां पढ़ लेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो आपको वो ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी एक और सर्च करना चाहें तो वो सर्च कर सकते हैं टंग के माध्यम से, तो जीव देखिए वो बता देती है, उसकी भी वीडियो सारी अपलोडेड है। तो हार्ट प्रॉब्लम पे भी वीडियो अपलोडेड है, ब्रेन पर भी है, ब्रेन वाली हमारी विंटर प्रॉब्लम करके ऐसा कुछ है उसमें है। तो आप कहीं से भी जाके उसको सर्च करके देखिए। और इन लेक्चर्स में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद दिल से, और मैं चाहूंगी कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, शेयर करिए। इसे मैं इसीलिए यूट्यूब पर भी डाल देती हूँ, और आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि जिन्हें भी ये लिंक नहीं मिल पा रही हो या नहीं मिली है, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखे, तो ये भी एक तरीके का आपका एक कंट्रीब्यूशन है कि आप दूसरों को जब बताते हैं तो आपको भी फायदा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। हम टंग पे क्या सिम्टम आते हैं, इस सारा उसमें हमने डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इसमें दो तरीके की चीजें होती है ना, एक में होता है कार्डियोमायोपैथी की, हार्ट को ब्लड कम मिलता है तो उसकी टंग अलग होती है, और अगर किसी के कंजेशन वगैरह है, एर्थरोस्क्लेरोसिस वगैरह है, तो उसकी टंग डिफरेंट होती है। तो यहाँ बताने में ये चीज दिखाने की है, बताने की तो है नहीं, तो अगर मैं बताऊंगी तो समझ नहीं आएगा, और अगर आप इसको वहां देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि टंग देख करके कैसे समझते हैं, तो आप वहां से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को कोई सवाल वगैरह करना हो या कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं। और अगला जो हमारा होगा सैटरडे, उसमें मैं इसी तरीके का और भी कोशिश करूंगी कि जो भी मौसम से रिलेटेड है, हार्ट का हो गया, ब्रेन का हो गया, मोस्ट प्रोबेबली जॉइंट पर ले सकती हूँ कि ये जॉइंट पेन ज्यादा क्यों होता है और इसका क्या उपाय किया जाए, कैसे प्रिवेंट करें हम अपने जॉइंट्स पेन को, तो हो सकता है मैं उस पर बताऊँ, ठीक है। तो आप लोगों का कुछ है सवाल तो आप एक दो मिनट में कर सकते हैं। जी बाला लखंदर जी को अनम्यूट कर दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं शायद। बाला लखंदर जी आप माइक ऑन कर सकते हैं अपनी। जी आवाज आ रही है मैम? हाँ थोड़ा धीरे बोल लीजिए, ज्यादा आ रही है। जी मैम एक्चुअली मैम देख रहा था कैसे क्या करना है, वो कोई क्वेरीज अभी नहीं है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा नॉलेज मिला।
ओके थैंक यू सो मच। चलिए तो मैं ये इनके माध्यम से ये मान लेती हूँ कि किसी को कोई क्वेरी नहीं होगी, और यहाँ क्वेरी के लिए मैंने बोला भी नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो पूछ सकते, अदरवाइज थैंक यू सो मच। हाँ जी, मेरी क्लास एवरी सैटरडे होती है शाम के 5 से 6 बजे तक। कैसे जुड़े, बहुत से लोगों का ये भी होता है सवाल, तो जुड़ने के लिए अलग अलग जगह पे देने का, जैसे मेरे पास में ट्रीटमेंट में करती होती हूँ तो अलग से हमारे पास में मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं कि हमें लिंक दीजिए। पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों को एक साथ लिंक भेज सकूं मैं, अलग अलग पर्सनल। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि टेलीग्राम पर सबको जोड़ दिया, और वहां एक बार मैं लिंक दे देती हूँ, जो ये आज की आपकी लिंक है यही फॉरएवर रहेगी, तो आप इसी से जोड़ सकते हैं आराम से और अपना आराम से लेक्चर वगैरह सुन सकते हैं। तो इसके साथ ही दूसरों को भी बता सकते हैं। यूट्यूब में भी आप देखेंगे तो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके उसमें हमने अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से भी आप सर्च करके सीधे जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं, लेकिन पर्सनली अगर आप बोलेंगे कि मैं दूं तो मुश्किल होती थोड़ी मेरे लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों का काम है कि आप लोग अपने ग्रुप्स में या जो भी आपके साथी हैं या फैमिली मेंबर हैं उनको अगर चाहते हैं तो वो सीखें तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मैम बस एक क्वेश्चन था। हाँ जी, मेरी एक पेशेंट है, उसको वैसे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, पर पिछली बार उसको बहुत जैसे एक्जर्शन हो गया तो पसीने पसीने हो गई थी ठंड में, तो मैंने हार्ट का पॉइंट दबाया, थोड़ा पेनफुल था, फिर उसको इको करने बोला तो डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, लेकिन ये उसको अभी 2-3 बार हो रहा है और उसको हमेशा नींद नींद जैसा लगता है, आंखें बंद रहती है। ओके, आप तो इसका डिटेल फिर मुझे भेजिएगा, देखने के बाद फिर मैं बता पाऊंगी, है ना। ओके मैम, तो इसी ग्रुप में ही भेज दूं मैम, टेलीग्राम ग्रुप में? नहीं, वो ट्रीटमेंट में भेज दीजिएगा ताकि मैं पूरी डिटेल लेने के बाद देख सकूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रिपोर्ट नॉर्मल है। ओके मैम, तो ये ट्रीटमेंट का ग्रुप में डिटेल इसी में है? यहाँ तो नहीं है, ऐसा करती हूँ मैं, टेलीग्राम पे मैम भेज दूंगा मैं वो नंबर। अच्छा, ये हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप नंबर ले। ओके, एंड मैम जी, कैंसर के एक पेशेंट है, उनको कीमो हो चुके हैं, डॉक्टर फिर से उनको कीमो का बोल रहे, तो अपने पास है ट्रीटमेंट इसका, उसका भी भेजो उनका भी। देखिए, ट्रीटमेंट मैं नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा। हाँ जी मैम, तो एक कोशिश आप चाहे तो कर सकती हैं, लेकिन हम पक्का कभी किसी को बोलते नहीं। ठीक है, रीजन ये है कि बिना कर सकते हो, देखे हुए समझे हुए आप नहीं बोल सकते हैं। जी जी, ठीक है, तो कोशिश जरूर करूंगी कि आराम मिले कुछ। चलिए, तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके बाद जब हम नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे तो आई होप कि ये जो नंबर है बिल्कुल डबल ट्रिपल होने चाहिए। मैम, मैं अलका सिंघल बोल रही हूँ। मेरी ये बचपन से ही मेरी ये जो फिंगर है ये टेढ़ी है, ये मतलब ये बचपन से ही मैं जब से मैंने देखा है ये। हाँ जी, स्मॉल फिंगर, राइट हैंड का स्मॉल फिंगर। इसकी डायग्नोसिस भी हमने वीडियो में बताई है और इसका ट्रीटमेंट भी वीडियो में बताया है। अच्छा, एक वीडियो में डायग्नोसिस बताई है कि उंगली का क्या मतलब, इस उंगली का क्या मतलब, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हमने ये भी बताया है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है आप। अच्छा, वो वीडियोस पूरी नहीं मिल पाती मुझे, वो पहले वाली वीडियो तो मैंने देखी थी मैम। नहीं, तो उसमें आपको क्या करना है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो उसके बगल में जो बेल आइकन है उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, नन, पर्सनलाइज्ड और ऑल। तो अगर आपको नॉलेज नहीं, मुझे भी नहीं थी इसलिए मैं आपको, मुझे नहीं है, अगर आपने पर्सनलाइज्ड में कर दिया तो कुछ कुछ मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। नन कर दिया तो सब्सक्राइब तो है लेकिन आपको वीडियो एक भी नहीं आएगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। और ऑल में कर दिया तो कोई भी वीडियो मैं बना के डालूंगी आपको, इमीडिएट आपके पास वो मैसेज चला जाएगा और आप देख पाएंगे। तो अभी खोजने के लिए मैडम फिर क्या करें उसमें? अभी खोजने के लिए आप मेरे चैनल पर आएंगे, फिर वहां पर जाकर वीडियोस में क्लिक कर दीजिए या तो प्लेलिस्ट में क्लिक कर दीजिए तो प्लेलिस्ट में हार्ट आ जाएगा, और हार्ट वाले में क्लिक करेंगे तो पूरी वीडियोस हार्ट से रिलेटेड मिल जाएंगी। और अगर पैरालिसिस वाला, हाई बीपी का, इन सब का देखना है
तो उसमें प्लेलिस्ट है विंटर प्रॉब्लम एंड इट्स ट्रीटमेंट, तो उसमें जब क्लिक करेंगी तो उसमें पैरालिसिस हाई बीपी ये सारे मिल जाएंगे। तो मैम ये जैसे बचपन से ही है जब मैं जब से देख रही हूँ, तो ये क्या है फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे भारीपन और दर्द तो रहता ही है कभी कभी अभी है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप उसको देख के प्रॉपर वे में पूरा ट्रीटमेंट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। नमस्कार।